तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डू ऑर्गेनिक पारासर में, जहाँ पर मिलती हैं आपको जैविक खेती से संबंधित वीडियोस जो होती हैं आपके लिए बहुत मददगार। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देखना। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको अच्छा फंगीसाइड बताने वाला हूँ दोस्तों, जो आपके लिए सभी फसलों में कारगर होगा। दोस्तों, एक अच्छा फंगसनाशी मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, जो जैविक तरीके से बनाया हुआ होगा दोस्तों, जिसमें जीरो खर्च पर बनाया हुआ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इसे बनाने की विधि, किस प्रकार बनाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल स्किप ना करना वीडियो को। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको 5 या 6 लीटर वाला बर्तन चाहिए। दोस्तों, बर्तन में आपको मट्ठा लेना है। मट्ठा दोस्तों हर किसान भाई के यहाँ पर मिल जाएगा, जिसके पास भी पशु होते हैं। अब दोस्तों, आपको इसको किसी छाए वाली जगह पर रख देना दोस्तों, जहाँ पर सूरज की रोशनी ना आती हो। दोस्तों, इसमें दोस्तों अब आपको जो डालना है वो है दोस्तों नीम की पत्तियाँ। दोस्तों, इसमें आपको नीम की पत्तियाँ डालनी है, जिसको एक आप एक झोरा भी डाल सकते हैं, जिसको झोरा बोलते हैं दोस्तों नीम का, या फिर आप 1 किलो के या आधे किलो के समथिंग आप इसमें नीम डाल दें दोस्तों, नीम की पत्तियाँ डाल दें। अगर दोस्तों आप इस फंगीसाइड में नीम की नवोली यूज करते हैं तो दोस्तों ये तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके पास नीम की नवोली उपलब्ध हो दोस्तों, आप नीम की पत्ती की जगह नीम की नवोली यूज करें, क्योंकि दोस्तों ये नीम की पत्तियों से कई गुना ज़्यादा अच्छी फंगीसाइड और कीटनाशक होती हैं। दोस्तों, आप इनका प्रयोग करें इसमें अच्छी तरह। दोस्तों, अब दोस्तों आपको इस मिक्सर को छाया वाली जगह पर रख देना है, पेड़ के नीचे, यहाँ पर आप कहीं पर भी जहाँ पर छाया होती हो दोस्तों, वहाँ पर रख देना दोस्तों। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ये तो 1 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों, 5 दिन या फिर 7 दिन में ये आपका जो भी फंगीसाइड है, फंगसनाशी है, वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों आपको इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है दोस्तों, कि आपको इसे हर 24 घंटे में दोस्तों थोड़ा घोलते जाना है, हिलाते जाना है दोस्तों, हर 24 घंटे में, यानी कि 1 दिन में दोस्तों, हर दिन आपको इसको किसी भी चीज़ से आप या फिर हाथ यूज करें, हाथ से इसको घोल दें, बिल्कुल अच्छी तरह मिला दें, मिक्स कर दें दोस्तों। इससे क्या है, कुछ नीचे नहीं बैठेगा जो भी मिक्सर होगा दोस्तों, इससे कीड़े भी नहीं पड़ेंगे, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे तो दोस्तों ये ख़राब हो जाता है। अब दोस्तों 5 दिन तक आपको ऐसा करना है, उसके बाद दोस्तों ये बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसको छिड़क दे दोस्तों, अपनी जो भी फसल है जिसमें भी फंगस लग रहा है आपकी में। दोस्तों, इस फंगीसाइड के 2 स्प्रे से जिस भी फसल में फंगस लग रहा होगा उसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाता है दोस्तों। ये बिल्कुल मेरे द्वारा प्रयोग किया गया है, मैं प्रयोग करके ये आपको हर वीडियो में जो भी है सब चीज़ बताता हूँ दोस्तों, जो भी चीज़ बताता हूँ जैविक पर आधारित, वो सब कुछ प्रयोग करके ही बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। दोस्तों, आपको अगला इसका स्प्रे 3 दिन के बाद करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आपके में ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा ही फंगस आपके फसल को परेशान कर रहा है दोस्तों, तो ज़्यादातर 3 स्प्रे करना होगा आपको 3-3 दिन के अंतराल में। उसके बाद दोस्तों बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी किसी भी फसल में फंगीसाइड है तो दोस्तों बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, आप इसका स्प्रे फसल में अपनी जो भी मशीन होती है स्प्रे वाली, उससे ना करें दोस्तों, ये बिल्कुल उसको चौक कर देगा या फिर उसको ख़राब कर देगा दोस्तों। आप इसका छिड़काव करें दोस्तों, जो आप नीम के झोंड़ा से या फिर आप किसी भी चीज़ से, जैसा कि छिड़कने योग्य कोई भी चीज़ हो, आप अपनी बाल्टी किसी भी अन्य बर्तन में आप इसको लें और छिड़क दे दोस्तों। इसमें पानी मिला के थोड़ा सा, जितना भी मिलाना होता है, 5 लीटर आप 250 ग्राम या फिर 300 ग्राम में यूज करें, 5 लीटर पानी, और अपनी फसल के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नए कीटनाशक के साथ और एक नई जैविक खेती की तकनीक के साथ। दोस्तों, अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें दोस्तों।